जैसे मान लो 46 24 दिया है, तो ये दो स्थान पे चार है, चार जो आता है दो में आता है और आठ में आता है, ये 46 है, 6 6 36 होगा, सात में ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 लिखेंगे, यहाँ पे भी 6 लिखेंगे, अब यहाँ पे 6 लिखेंगे, 6 और 7 हो जाता है 42, 42 जो है इससे कम है, यहाँ पर आएगी बड़ी संख्या आएगी। हेलो गाइस, मैं धनेंद्र बसोने स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम सीखेंगे किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना। सबसे पहले इसके लिए हम 1 से लेकर 10 का स्क्वायर लिख लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर लिख देंगे 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर लिख देंगे 100। देखिए दोस्तों, 1 से लेकर के 10 तक के स्क्वायर में किसी भी संख्या में इकाई अंक पर 2, 3, 7 और 8 नहीं आया है। तो यदि किसी भी संख्या के इकाई अंक में 2, 3, 7 और 8 है तो वह परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। यदि कभी भी आपको दे दिया और कहीं भी पूछा है और 2, 3, 7, 8 इकाई अंक पर है तो वह परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। देखिए अब हम इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे एक संख्या ले लिया मैंने 75 69, यह एक परफेक्ट स्क्वायर संख्या है। हमें एग्जाम में भी जब भी पूछा जाता है तो हमें एक परफेक्ट स्क्वायर संख्या दिया जाता है, ऐसे कोई भी नॉन परफेक्ट संख्या नहीं दिया जाता, यानी परफेक्ट संख्या ही दिया जाता है ताकि हम लॉजिक लगा करके आसानी से ज्ञात कर सकें। अब इसके लिए देखिए, हम ऐसा पहले तो ये दो स्थान और ये दो दो की जोड़ी बना लेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो 9 दिया है, 1 से लेकर 10 तक के किसी भी संख्या के स्कोर में 9 1 3 में आया है और 1 7 में आया है। तो अपने पास दो ऑप्शन बन जाते हैं, पहले या तो 3 हो सकता है यहाँ या तो फिर 7 हो सकता है। अब हम आते हैं यहाँ 75। अब हमें ऐसी संख्या लिखना है, अब हमें ऐसी संख्या मानना है जिसका स्क्वायर 75 से कम है। मतलब 75 से कम को किस संख्या का स्क्वायर हो सकता है, जैसे 8 का ले तो 64 हो जाएगा, 9 का लेते हैं तो हो जाएगा 81 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें हमेशा छोटी संख्या लेना है, जैसे 8 का स्क्वायर 64 हो गया तो हमारे पास हो जाएगा ये 8। अब या तो ये 3 हो सकता है या तो फिर ये 7 हो सकता है, इन दोनों में से ये एक आएगा। अब इन दोनों में से कौन सा आएगा इसके लिए हमें क्या करना है, जैसे ये 8 है तो 8 में हमें एक संख्या आगे बढ़ाकर गुना करना है, जैसे 8 × 9 कर देंगे तो ये आ जाएगा 72। 72 है, 72 से ये संख्या बड़ी तो हमें यहाँ पे बड़ी संख्या को लेना है। देखिए मतलब 8 × 9 की ये 72 आया, तो ये 72 जो है 75 से छोटी संख्या है तो हमें बड़ी संख्या लेना है, यानी यहां कम आया तो हमें ज्यादा वाला लेना है, यदि यहां कम आता है तो ज्यादा वाला लेना है, यहां ज्यादा आ जाता है तो हमें कम वाला लेना है। तो इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या हो जाएगा, 87 हो जाएगा। अब हम दूसरा उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया यहाँ पे 57 76, इसमें भी ऐसे दो दो का जोड़ी बना लेंगे। ये देखिए इसमें इकाई अंक 6 है, 1 से लेकर 10 तक की किसी भी संख्या के स्क्वायर में 6, 1 तो 4 में आता है 1 तो 6 में आता है। तो अपने पास दो ऑप्शन हो जाएंगे, या तो 4 आ सकता है या तो 6 आ सकता है। अब यहाँ पे 57, हमें ऐसी संख्या लेना है जिसका वर्ग 57 से कम हो। जैसे 7 का वर्ग लेंगे तो अपने पास हो जाएगा 7 ही 7 49, 8 का लेंगे तो 8 8 64। यहाँ पर हमेशा हमें छोटी संख्या लेना है, तो या तो अपने पास 7 4 हो जाएगा या फिर 7 6 हो जाएगा स्क्वायर। अब हमें इन दोनों में से एक निकालना है, इसके लिए क्या करेंगे, 7 × 8 करके देखेंगे तो 7 ही 8 ही आ रहा है, ये 56 56 आ रहा है, ये संख्या छोटी है, ये संख्या इस संख्या से छोटी है, तो इसका उत्तर हमेशा क्या होगा, बड़ी संख्या होगा, मतलब इसका 76 होगा स्क्वायर। ठीक, फिर से बता रहा हूँ, ये हमेशा परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लिए ही काम आता है, यानी ये दी गई संख्या हमेशा परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए।
नहीं तो ऐसा कुछ भी दे दिए 179 या ऐसा कुछ भी दे दिए तो उसमें काम नहीं आएगी ये ट्रिक। एग्जाम में हालांकि परफेक्ट स्क्वायर संख्या ही दिया जाता है और एक लॉजिक के हिसाब से हम बना सके ऐसा। ठीक, अब और आगे समझते हैं। अब मैं आपको एक छोटे उदाहरण से समझाता हूं, जैसे 2304। ठीक है, अब देखिए 04, 2 का स्क्वायर हो रहा है 4 और ये हो रहा है 8 का स्क्वायर 64, यानी इकाई अंक में 4 2 और 8 में आ रहा है। तो अपने पास दो ऑप्शन हो जाएंगे, या तो 2 आ सकता है यहाँ या फिर 8 आ सकता है। अब इस स्थान के लिए ऐसी संख्या लेना है जिसका स्क्वायर 23 से कम हो, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और हमेशा छोटी संख्या लेना है, 4 का स्क्वायर हो गया 16, अपने पास हो जाएगा 4 2 या फिर 4 8। अब इन दोनों संख्या में कौन सा आएगा इसके लिए हमें करना है 4 × 5, ये हो रहा है 20। अब ये देखिए ये 20 जो है 23 से छोटी संख्या है, तो हमें बड़ी संख्या को लेना है हमेशा। यदि यहाँ पर इससे 23 से बड़ी संख्या आती तो हम 42 को लेते, यदि यहाँ छोटी संख्या आ रही है तो हमेशा बड़ी को लेना है, बड़ी संख्या आती है तो छोटे को लेना है। यहाँ पर हो जाएगा 48 का स्क्वायर। अब हम दूसरे उदाहरण से समझते हैं, जैसे यार लिख दिए 50 176, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है हमें। इकाई अंक में 6 है तो इकाई अंक में 6 4 या 6 में आ सकता है, तो अपने पास हो जाएगा ये 4 या 6, ये दो अंक हो गए। अब आ रहा है, बचा है हमारे पास 501, ऐसी संख्या लेना है जिसका 501 से कम, 501 से कम कौन सा होता है, जैसे 22 का वर्ग लेते हैं हम तो ये होता है 484, 23 का लेंगे तो अपने पास आ जाएगा 529, हमेशा छोटी संख्या लेना है तो ये आ जाएगा 22 22 4 या फिर 22 6, ये दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। अब हम इसके लिए करेंगे 22 × 23 करके देखेंगे, तो ये 22 × 66 की 6 हो जाएगा, ये फिर 6 22 × 44 और 6 44 और 6 हो जाएगा 50, 506 हो रहा है, ये बड़ी संख्या आ गई, इससे बड़ी आ गई तो यहाँ पर लेंगे हम छोटी संख्या को लेंगे, तो ये इसका वर्गमूल ये हो जाएगा 22 4, इसका वर्गमूल हो जाएगा। अब देखिए इकाई अंक में हमेशा, इकाई अंक में यदि ये है 2 3 7 8 तो ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर सिर्फ, परफेक्ट स्क्वायर सिर्फ आ सकता है 1 4 5 6 9 और 0। इकाई अंक में यदि ये संख्या है तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। अब जैसे इकाई अंक में 1 है तो इस का जो स्क्वायर रूट है वो क्या क्या हो सकता है, या तो 1 हो सकता है या फिर 9 हो सकता है। यदि इकाई अंक में 4 है तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो सकता है, या तो 2 हो सकता है या फिर 8 हो सकता है, 2 और 8। यदि 5 है, इकाई अंक में 5 है तो इसका 5 ही होता है, 6 है तो 6 ही होता है, 1 ही है। यदि 9 है, यदि इकाई अंक में 9 है तो ये 1 9 है, ये 1 9 है, या तो 3 हो सकता है या फिर 7 हो सकता है, और 0 है तो 0 ही होता है। किसी भी स्क्वायर संख्या का इकाई अंक ये है तो उसका स्क्वायर रूट ये हो सकता है, ठीक है, ये हो जाएगा स्क्वायर और ये होगा स्क्वायर रूट। यदि आपको ये दिया है तो आपका आंसर ये इन संख्या में आएगा। अब देखिए और एक उदाहरण, जैसे दे दिया 39 69, इसके लिए हम क्या करेंगे, ये दो संख्या हो गया, ये दो संख्या हो गया, ये 9 दिया है तो 9 या तो 3 में आएगा या 7 में आएगा, तो अपने पास दो ऑप्शन हो गए, या तो 3 या तो 7। अब ये 39 से छोटी संख्या स्क्वायर होना चाहिए तो 6 का स्क्वायर होता है, तो अपने पास आ जाएगा यहाँ पे 6, या तो 63 हो सकता है या 67 हो सकता है। अब हम क्या करेंगे, 6 × 7 करेंगे, 6 7 42 हो रहा है, ये संख्या आ रही है यहाँ पे, बड़ी संख्या ही है,
39 से बड़ी संख्या आ रही है तो हम क्या लेंगे, छोटी संख्या लेंगे। तो इस ये किसका हो जाएगा, 63 का स्क्वायर हो जाएगा, रूट हो जाएगा। इसको आपको अपने हिसाब से याद रखना है, ये हमेशा काम देंगे। यदि छोटी संख्या का स्क्वायर रूट ज्ञात करने आता है तो आपको उसको रिवर्स भी कर सकते हैं, जैसे हमने बताए थे, मान लो 2304 दे दिया, इसका स्क्वायर रूट ज्ञात करना है तो इसको आप रिवर्स लेकर के भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हमने बताया था आपको कि 48 का स्क्वायर ज्ञात करना, 50 से 2 कम कर रहे थे, 04 और ये 23, तो आप ऐसे रिवर्स से भी याद कर सकते हैं। ये जब छोटी संख्या का दे, बड़ी संख्या दिया हो तब आपको वो रूल फॉलो करना है। जैसे 23004 दिया तो अपने को 48 का स्क्वायर है, ये यहाँ से भी हो जाता है। या फिर उस टाइप से याद करना है तो 2 कहाँ कहाँ आता है अपने पास, 2 आता है या तो 2 में आता है या फिर 8 में आता है, और ये जो है 416 हो जाएगा तो यहाँ पे 4 आएगा, या तो 42 होएगा या 48 होएगा। अब 5 करेंगे, 5×4 20 करेंगे, 20 जो है छोटी संख्या आ रही है, ये 48 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, 11236 ले लिए मान लो, हमें इसको ऐसा बना लेना है, इसके लिए 6 है इकाई अंक, तो 6 या तो 4 में आता है या फिर 6 में आता है। अब यह है 112, 10 का वर्ग होता है 100, 11 का वर्ग होता है 121, तो यहाँ पर 10 ही आएगा, तो 104 आएगा या फिर 106 आएगा। 10 गुणित 11 करेंगे तो 110, 110 जो है इससे छोटी संख्या है तो इसका उदाहरण हो जाएगा बड़ी संख्या। आपको इस मेथड को फॉलो करना है, तो फिर दूसरा मेथड भी है, देखो जैसे मान लो 11236 लिख दिए हमने, इसका हमको वर्गमूल ज्ञात करना है, इधर से 2 अंक जोड़ लेंगे, इधर से 2 कर लेंगे। अब यहाँ पे एक का भाग जाएगा, एक लिखेंगे, इस एक का भाग जा रहा है यहाँ, तो एक लिखते हैं ऐसा, एक बार भाग गया इसलिए इसको भी यहाँ एक बार लिखेंगे, जितनी बार भाग जाता है उसको यहाँ भी लिखते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं, ये जुड़ जाता है, ये माइनस होएगा तो 0। अब उतारेंगे हम 12, ठीक है। अब यहाँ ऐसी संख्या लेते हैं जिसका उस संख्या में गुना करने के बाद इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए, जैसे मान लो मैं 2 लिखता हूँ और फिर गुना करूँगा तो 22×2=44 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 12 है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे 0 लिखना पड़ेगा। इस 0 के लिए यहाँ लिखेंगे तो यहाँ पे भी 0 लिख देंगे, भाग नहीं जाता करके। अब उतारेंगे 36, अब हम यहाँ पे लिखेंगे 6, क्योंकि 7 का गुना करेंगे तो ज़्यादा, 7×7=49 हो जाएगा, 6 का करेंगे 6×6=36, तो 6×6=36 की 6 हाथ का 3, ये भी 3 हो जाएगा, और ये 6×2=12। तो ऐसे करके हम यहाँ पे लिख देंगे 6, तो 106 का। ये इस टाइप से भी याद कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत फास्ट है, इसमें फास्ट है, ये अपने को याद रखने के लिए है बस। अब मैं बताता हूँ कि आपको स्पीड से कैसे करना है। जैसे मान लो 4624 दिया है, तो ये 2 स्थान पे 4 है, 4 जो आता है 2 में आता है और 8 में आता है, ये 46 है, 6×6=36 होएगा, 7 में ज़्यादा हो जाएगा, तो अपन यहाँ पे 6 लिखेंगे, यहाँ पे भी 6 लिखेंगे, अब यहाँ पे 6 लिखेंगे, 6 और 7 ये हो जाता है 42, 42 जो है इससे कम है तो यहाँ पर आएगी बड़ी संख्या आएगी, ठीक है। अब आप लोग बोलेंगे इसको तो हम ऐसे 68×68 करके भी ला सकते हैं, लेकिन उस समय एग्जाम हाल में इतना सोच नहीं पाते हम कि 68×68 करने से इतना आएगा, हम फिर आगे कभी कभी 66×66 करेंगे, कभी 65× कुछ करेंगे, 65×65, तो वो लॉजिक नहीं बैठ पाता, लेकिन ये इसमें अपन को डायरेक्ट ऑथेंटिक जो भी नंबर है वो डायरेक्ट मिल जाता है, इसलिए इसको याद रखना जरूरी है, क्योंकि हमें सारे एग्जाम में ये काम आना है, कोई भी एग्जाम दे, कोई भी चैप्टर पढ़े मैथ के, वो काम आना है, इसलिए बेसिक चीज है और ये हमें आना ही चाहिए। तो ठीक है, बने रहे चैनल के साथ और प्रैक्टिस करें, ये आसानी से आप सीख जाएंगे, ठीक है, ओके, बाय बाय।